नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज वर्ल्ड इंडिया में। आपके साथ मैं हूँ पारुल त्यागी। खबरों का रुख कर लेते हैं। गुजरात को आज दोपहर नया मुख्यमंत्री मिल जाएगा। जी हाँ, मुख्यमंत्री विजय रूपाणी के इस्तीफे के चलते विधायक दल की बैठक आज दोपहर 3 बजे बुलाई गई है और इस बैठक में विधायक दल के नए नेता का चुनाव होगा जो गुजरात का नया मुख्यमंत्री बनेगा। ऐसे में माना जा रहा है कि अगला मुख्यमंत्री पाटीदार समाज से होगा। हालांकि स्थिति विधायक दल की बैठक के समय ही स्पष्ट हो पाएगी। ऐसे में पार्टी के केंद्र पर्यवेक्षक के तौर पर रविवार सुबह यानी कि आज केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और प्रहलाद जोशी नए मुख्यमंत्री के चुनाव के लिए अहमदाबाद पहुंच चुके हैं। शनिवार को दोपहर बता दें गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था और नए मुख्यमंत्री के चुनाव के लिए विधायक दल की बैठक आज 3 बजे बुलाई गई है जहां विधायक दल के नए नेता का चुनाव हो जाएगा। तो ऐसे में अब आज गुजरात को जो है वो अपना नया मुख्यमंत्री मिल जाएगा। कल बता दें कि मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने पद से इस्तीफा दे दिया था। उसके बाद तमाम नाम जो हैं 3-4 नाम ऐसे हैं जो आगे के रेस में चल रहे हैं और ऐसे में आज 3 बजे विधायक दल की बैठक होगी और उसमें फैसला हो जाएगा कि नया मुख्यमंत्री कौन बनने वाला है। तो बता दें गुजरात को आज नया मुख्यमंत्री मिलने वाला है। हालांकि कल मुख्यमंत्री के पद से विजय रूपाणी ने इस्तीफा दे दिया था। राज्यपाल से वो मिलने के लिए पहुंचे थे तो ऐसे में उन्होंने कल इस्तीफा दिया और हर किसी को चौंका दिया अपना इस्तीफा देके, क्योंकि कुछ भी बातें ऐसी बीते कई दिनों से सामने नहीं आ रही थी कि गुजरात में इतना बड़ा जो बदलाव है वो होने वाला है। लेकिन जब अचानक से मुख्यमंत्री पद से विजय रूपाणी ने इस्तीफा दिया तो हर किसी को चौंका दिया। हमीरपुर के मौदाह कस्बे में आज भारतीय किसान यूनियन की राष्ट्रीय पंचायत है जिसके तहत सारी तैयारियां कर ली गई है। बता दें भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष श्रीनाथ भी मौके पर पहुंचे और अध्यक्ष श्रीनाथ ने बताया कि प्रशासन अनुमति दे या ना दे, टिकैत साहब तो जरूर आएंगे और पंचायत भी होगी जिसमें करीब 1 लाख किसानों की भीड़ इकट्ठा होगी। तो बता दें आज किसानों की हमीरपुर में महापंचायत है। ऐसे में किसान जो है अलग अलग जगहों पर इस महापंचायत का आयोजन कर रहे हैं। बीते कुछ दिन पहले 5 सितंबर को यूपी के मुजफ्फरनगर में किसानों की महापंचायत देखने के लिए मिली थी, उसके बाद करनाल में किसानों की महापंचायत हुई थी और अब आज जो है हमीरपुर में किसानों की महापंचायत होने जा रही है। ऐसे में कहा गया है कि प्रशासन अनुमति दे या ना दे, लेकिन टिकैत साहब वहां पर जरूर पहुंचेंगे और तैयारियां जो है वो कर ली गई है। इस महापंचायत को लेकर पुलिस भी पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रही है। देखिए, प्रशासन परमिशन दे या ना दे, टिकैत जी का पहला प्रोग्राम बुंदेलखंड है, हम प्रोग्राम करेंगे। प्रशासन की हमें ज़रूरत नहीं है। हमने कही हमारे पूरे देश में आंदोलन चल रहा है तो हम कहाँ प्रशासन से परमिशन लेंगे। टिकैत साहब को आना है, कार्यक्रम सफल होगा, लगभग कम से कम 1 लाख की भीड़ होने की संभावना है, घर घर किसान आने के लिए तैयार है, हम सफल प्रोग्राम करेंगे और परमिशन दे या प्रशासन ना दे हमें ज़रूरत नहीं है परमिशन। पुलिस ने आपको बुलाया था तो क्या बात हुई? देखो, सीओ साहब से बात हुई है, डाक बंगला के लिए एसडीएम साहब से बात हुई है, लेकिन वो डाक बंगला देने के लिए तैयार नहीं। हमने कहा कि भाई डाक बंगला दे दीजिए तो उन्होंने कहा नहीं, डाक बंगला नहीं मिलेगा। तो डाक बंगला ना मिले, हम लोग तो किसान आदमी है, हम लोग छपरिया तरह खाना खा लेंगे, डाक बंगला की हमें आवश्यकता भी नहीं। नहीं तो आपको तो परमिशन यहाँ की भी नहीं मिली मंडी में कार्यक्रम करने की। देखो, परमिशन मिले या ना मिले, कार्यक्रम तो होगा। टिकैत जी का बुंदेलखंड में पहला कार्यक्रम है। चलिए, हमीरपुर से हमारे संवाददाता अब्दुल सिद्दीकी जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अब्दुल, ये महापंचायत जो होने वाली है क्या शुरू हो चुकी है, क्या कुछ अपडेट है? देखिए, आपको बता दूं, किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष राकेश टिकैत को आज हमीरपुर में 1 बजे आना है, जिसके लिए जो किसान यूनियन के कार्यकर्ता हैं, जिला अध्यक्ष हैं, उन्होंने पूरी तैयारियां कर रखी हैं। मौदा के गल्ला मंडी परिसर में किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष को आना है, वहां पर पंडाल बना दिया गया है, किसानों की बैठने की व्यवस्था कर ली गई है। जिला प्रशासन ने अभी तक परमिशन नहीं दी थी, लेकिन कुछ ही देर पहले जिला प्रशासन ने भी परमिशन दे दी है। पुलिस ने वहाँ सारी व्यवस्थाएं कर रखी है, पानी की व्यवस्था कर रखी है, फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौजूद है, साथ ही भारी पुलिस फोर्स मौजूद है। तो किसानों का भी आना शुरू हो गया है, लगभग हजारों की संख्या में किसान वहां पर
मौजूद रहेंगे और जो राकेश टिकैत है वो किसानों के मुद्दे को उठाएंगे, कृषि बिल जो सरकार द्वारा लाए गए हैं उनकी जो हानियां होंगी उसके बारे में बताएंगे, साथ ही बुंदेलखंड की धरती जो बरसों से सूखा घोषित है और बाढ़ के कारण जो खेती प्रभावित हुई है इस मुद्दे पर को लेकर भी बात करेंगे, क्योंकि किसानों को ज्यादातर अन्ना मवेशियों से भी नुकसान होता था, सरकार की योजनाएं थी अन्ना पशुओं को लेकर वो भी फ्लॉप होती हुई नजर आ रही है, जिसको लेकर भी जो किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष राकेश टिकैत इस पर भी बात करेंगे। बिल्कुल अब्दुल, और देखिए कहा यह जा रहा था जैसे आप भी बता रहे हैं कि प्रशासन पहले अनुमति नहीं दे रहा था, लेकिन किसानों की तरफ से ये कहा जा रहा था साफ तौर पर कि अनुमति दें या ना दें, लेकिन यहां पर राकेश टिकैत तो जरूर आएंगे। जी, जिस तरह से किसान यूनियन के जो जिला अध्यक्ष हैं उन्होंने ये बात कही थी श्रीनाथ ने कि अगर जिला प्रशासन परमिशन दे या न दे फिर भी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनका जो महापंचायत प्रोग्राम है वो जरूर होगा, लेकिन जो जिला प्रशासन ने वार्ता की काफी देर तक वार्ता चली उससे निष्कर्ष निकाला गया परमिशन दी गई और गल्ला मंडी में ही परमिशन दी गई, जिसके चलते प्रशासन ने भी सहयोग किया, तैयारियां हुई, लेकिन जगह जगह पुलिस फोर्स तैनात की गई है, मौधा के हर हिस्से में सीमा में पुलिस फोर्स तैनात की गई है, किसी भी तरीके का अवधा ना हो, कोई दिक्कत ना हो, किसान भी आना शुरू हो गए। बिल्कुल अब्दुल, और अगर देखा जाए तो इस महापंचायत का मेन एजेंडा क्या कुछ होने वाला है? देखिए मेन एजेंडे की बात करें तो जो राकेश टिकैत है वो सबसे पहले तीन कृषि कानून जो बनाए गए हैं उनके विरोध में यहाँ पर महापंचायत करेंगे, उसकी हानियां किसानों को बताएंगे। दूसरी बात तो किसान बुंदेलखंड हमेशा से ही सूखे की मार झेलता चला आ रहा है, इस बारे में भी सरकार को घेरेंगे और ये बात भी हो सकती है क्योंकि आने वाले विधानसभा चुनाव 2022 को है, इसके चलते भी उत्तर प्रदेश में पूरे राकेश टिकैत एक्टिव है, इसी चलते बुंदेलखंड में भी उनका पहला दौरा है जो मौधा में होगा। बिल्कुल अब्दुल, और कहीं ना कहीं देखिए किसानों की आवाज़ तो राकेश टिकैत उठाते नजर आ रहे हैं, लेकिन देखिए बीते कई महीनों से ये जो आंदोलन चल रहा है अब ऐसा क्यों हो गया कि अलग अलग जिलों में जाकर ये महापंचायत करनी पड़ रही है? देखिए आपको बताते चले क्योंकि उत्तर प्रदेश में 2022 को विधानसभा चुनाव है, इसके चलते यूपी सरकार को भी घेरने की एक कवायद राकेश टिकैत द्वारा की जा रही है, जहां पर जो ग्रामीण क्षेत्रों में जाएंगे किसानों से बात करेंगे, महापंचायत कर रहे हैं, किसानों को कृषि बिल के बारे में बता रहे हैं क्या हानियां है, तो खासा इसका प्रभाव जो राजनीति में पड़ेगा, उत्तर प्रदेश की राजनीति में भी किसान को राकेश टिकैत को लेकर काफी सरगर्मी हो रही है, तो उसी के चलते राकेश टिकैत भी जगह जगह पंचायत कर रहे हैं, अभी मुजफ्फरनगर में गए थे जहां पर उन्होंने नारेबाजी भी की थी अल्लाह अकबर और हर हर महादेव की, उसको चलते भी राजनीति गरमाई थी, वैसे ही आज हमीरपुर के मौधा में भी प्रोग्राम करेंगे, अब 1 बजे राकेश टिकैत को आना है, वो तो आने के बाद ही पता चलेगा क्या सरगर्मियां होती है। बिल्कुल अब्दुल, और देखिए जिस तरह से आपने बताया और जानकारी भी मिल रही थी कि प्रशासन पहले इजाजत नहीं दे रहा था, तो ऐसे में कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं हो सकता कि क्या लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिगड़ जाए, क्योंकि प्रशासन एक तरफ इजाजत नहीं दे रहा था और जो किसान है किसान नेता वो लगातार ये कहते नजर आ रहे थे कि इजाजत मिले ना मिले लेकिन वहां पर हम पहुंचेंगे और राकेश टिकैत भी पहुंचेंगे। जी बिल्कुल, प्रशासन जिस तरह से पहले अनुमति नहीं दी थी, प्रशासन ने ये कहा था गल्ला मंडी परिसर में किसी भी तरीके का प्रोग्राम नहीं हो सकता है, लेकिन जो किसान नेता थे वो अड़े हुए थे कि हमारे बुंदेलखंड में पहली बार राकेश टिकैत को आना है और ये प्रोग्राम हम करेंगे चाहे प्रशासन अनुमति दे या न दे, इसी के बीच जिद्दोजहद चल रही थी जिला प्रशासन और किसान यूनियन के बीच, लेकिन आज अंत में ये निष्कर्ष निकला कि किसान यूनियन को जिला प्रशासन ने परमिशन दी, पुलिस के सहयोग से कार्यक्रम कराया जा रहा है, फुल फायर ब्रिगेड मौजूद है, पानी की व्यवस्था मौजूद है, भारी पुलिस फोर्स मौजूद है, किसी भी तरीके की दिक्कत ना हो इसके चलते पुलिस चप्पे चप्पे में मौजूद है। जी चलिए अब्दुल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो आज बस्ती में किसानों के इस महापंचायत का आयोजन हो रहा है, ऐसे में प्रशासन ने पहले इस महापंचायत के लिए अनुमति नहीं दी थी, लेकिन अब प्रशासन की तरफ से अनुमति दे दी गई है और महापंचायत में हजारों की संख्या में किसानों का पहुंचना शुरू हो गया है, हालांकि कुछ देर बाद राकेश टिकैत भी वहां पर पहुंच जाएंगे और इस महापंचायत का जो शुरुआत है वो राकेश टिकैत करेंगे। बस्ती में नारी सशक्तिकरण मिशन पूरी तरह से फेल होता नजर आ रहा है, जहां पुलिस विभाग की तरफ से हर दिन स्कूलों हर चौराहों और गांव में जाकर नारी सशक्तिकरण अभियान का तेजी से प्रचार और प्रसार कर रही है और नारियों की सुरक्षा के उपाय बताए जा रहे हैं और उनका अधिकार समझाया जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं नारी शक्ति मिशन सिर्फ कागजों में ही सिमट कर रह गया है। दरअसल ताजा मामला बस्ती के कप्तानगंज थाना क्षेत्र का है, जहां उस वक्त हड़कंप मच गया
जब कक्षा 9 की छात्रा शौच के लिए अपने घर से बाहर गई थी और मात्र घर से 500 मीटर दूर पर ग्रामीणों और परिजनों ने छात्रा को खून से लथपथ देखकर पूरे गांव में हड़कंप मच गया। बेहोशी की हालत में कप्तानगंज पीएससी में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने छात्रा की हालत गंभीर देखकर उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया। पीड़ित छात्रा की माँ का कहना है और उन्होंने बताया कि शौच के लिए घर के बाहर वो गई थी और जब 10 मिनट से ज्यादा हुआ तो परिजन उसकी खोजबीन करने लगे। उसके बाद गांव का एक आदमी उसी रास्ते से जा रहा था तो उसने देखा कि छात्रा को घायल कर उसे फेंक दिया गया है, जहां छात्रा खून से लथपथ बेहोश पाई गई। वहीं सपा नेता अतुल चौधरी ने प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि सरकार में महिलाएं सुरक्षित नहीं है और आए दिन महिलाओं पर अपराध हो रहे हैं और पुलिस पूरी तरह से फेल साबित हो रही है। तो बस्ती का पूरा मामला है, जहां पर छात्रा से छेड़छाड़ करने का मामला सामने आया है। नारी शक्ति अभियान की पोल जो है वो यूपी में खुलती हुई नजर आ रही है। शासन प्रशासन तमाम दावे तमाम वादे महिला सुरक्षा को नारी सशक्तिकरण को लेकर जो है करता है, लेकिन उसके बावजूद भी ये जो तस्वीर है ये जो खबर है वो इस नारी शक्ति की पोल खोल रही है। कुछ अज्ञात लोगों ने हैवानियत का काम किया है। आप मीडिया के माध्यम से कहना चाह रहा हूँ कि सरकार तमाम वादे करती है कि महिला सुरक्षा के नाम पे, मगर आप देख रहे हैं महिलाओं के घर से निकलना दुश्वार हो गया है। ये सरकार पूरी तरीके से फेल है। मैं आप मीडिया कर्मियों के माध्यम से ये निवेदन करता हूँ कि तुरंत कार्रवाई के इस पर जाँच करके दोषियों को पिटा कर। जैसे वहीं पे अपना खेत है, धान उन है, तो चलिए बस्ती से हमारे संवाददाता अमित लाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, आखिर ये पूरा मामला क्या है? ये बस्ती जिले के कप्तानगंज थाना क्षेत्र के माझा चौहान पुरवा गांव का मामला है, जहां कक्षा 9 की छात्रा रात में शौच के लिए निकली और उसके बाद उसको कुछ लोग उठा के ले गए, मुंह में कपड़ा बांधने, पीड़िता के अनुसार मुंह में कपड़ा बांधे हुए थे और उसके साथ शरीर पे लगभग 2 दर्जन से अधिक चाकू मारे गए, ब्लेड से चेहरा चीरा गया और यहाँ तक कोई अंग बचा नहीं जहाँ चाकू ना मारा गया हो उसके। और पीड़िता बेहोशी हालत में खून से लथपथ जब परिवार वाले सुबह खोज रहे थे तो उसको पाया। मौके पे घटनास्थल पे पुलिस पहुंची और पीड़िता को कप्तानगंज पीएससी लाया गया, जहाँ डॉक्टरों ने हालत गंभीरता देखकर उसे जिला अस्पताल रिफर कर दिया गया है। बिल्कुल अमित, देखिए कई दिनों से यूपी के तमाम जिलों में पुलिस प्रशासन की तरफ से नारी सशक्तिकरण को लेकर अभियान चलाया जा रहा है। बच्चियों को, महिलाओं को, लड़कियों को उनके हक के बारे में जानकारी दी जा रही है, उनके अधिकार के बारे में बताया जा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ ऐसी तस्वीर भी सामने आती है। देखिए प्रशासन तमाम दावे करता है, तमाम वादे करता है कि कानून व्यवस्था अच्छी है और ऐसे में महिला सुरक्षा को लेकर भी वादे करता है, लेकिन उसके बाद ही दूसरी तरफ ये तस्वीर भी आती है। जी आप सही कह रही हैं कि बस्ती जिले में आए दिन स्कूलों में, चौराहों पे और गांवों पे जाकर पुलिस कर्मी और महिला पुलिस जाकर नारी सशक्तिकरण का तो उपदेश दे रही हैं, लेकिन और महिलाओं का हक की बात करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये पूरी योजना सरकार की कागजों में सिमट कर रह गई है। कहीं ना कहीं जहाँ प्रदेश सरकार दावा करती है कि महिला हो चाहे स्कूल की बच्चियां हो चाहे छात्रा हो, दिन हो चाहे रात हो, जाए कोई घटना नहीं घटित होगी, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसी घटनाएं घटित होने से सरकार की दावा पूरी तरह बस्ती जनपद में फेल नजर आ रही है। बिल्कुल अमित, और परिवार की तरफ से क्या अभी तक कोई तहरीर दी गई है, क्या कार्रवाई की मांग की गई है और अभी तक कुछ जानकारी मिल पाई है कि कौन वो लोग थे जिसने इस बच्ची के साथ ऐसा किया? परिवार वालों का कहना यह है कि आए मेरे घर पे एक लेटर फेंका जाता था, प्रतिदिन लेटर, जिसका मैंने विजुअल भी बनाकर आपको भेजा है जी। लेटर फेंका था और उसमें कहा जाता था लेटर के कि अगर मैं जो कहूँ मान लीजिए मेरी बात, नहीं तो आपके बच्ची की जिंदगी बर्बाद कर दूंगा। आखिरकार ऐसा हुआ, कई बार इसकी सूचना पुलिस, यानी कि अमित जो आप बात कर रहे हैं जिसमें ये लिखा गया था कि मेरी बात मान लीजिए वरना बच्ची के साथ ये करूंगा, वो क्या बात थी, किस बात को लेकर वो लेटर लिखा गया था, किस बात मानने के लिए कहा जा रहा था? बस लड़की को बुलाया जा रहा था। कहीं ना कहीं इस पूरे प्रकरण में देखने को ये भी लग रहा है कि ब्लैकमेलिंग का मामला
भी हो सकता है, जैसे सूत्रों वाले या प्रेम प्रसंग का भी मामला हो सकता है। तो फिर अभी तक अमित अभी तक परिवार की तरफ से फिर शिकायत क्यों नहीं की गई थी, अगर पहले से ही इस तरह के जो है आरोपी की तरफ से इस तरह से लेटर दिया जा रहा था तो? जी, पीड़ित परिवार का कहना है कि कई बार थाने पे इसकी शिकायत की गई थी, लेकिन पुलिस एवॉइड करती थी। और ये मतलब कि ऐसा होता जाता है, अपने बच्ची को संभाल के रखो, ऐसे समझा बुझा के थाने से परिवार को भेज दिया जाता था। लेकिन वही इस पूरे घटनाक्रम में पुलिस अधीक्षक बस्ती का कहना है कि चाहे जो हो दोषी उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी, यहाँ तक कि छात्रा का बाल तक काट दिया गया। मौके पर पुलिस ने बाल और चाकू ब्लेड कलम बरामद किया है। यानी कि अमित मामला कुछ और था, बात कुछ और थी, ब्लैकमेल परिवार को किया जा रहा था और उसका जो परिणाम है वो उस बच्ची ने भुगता है। जी, आप एकदम पूरी तरह सत्य कह रही हैं, लेकिन पूरा मामला अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है कि किस कारण बच्ची को मारने का प्रयास किया गया, उसके साथ छेड़खानी किया गया, पूरे शरीर में चाकुओं से गोदा गया, यह चीज अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है। ना तो बस्ती जनपद के पुलिस अधीक्षक स्पष्ट कुछ बता पा रहे हैं, ना कोई पुलिसकर्मी उच्च अधिकारी पुलिस विभाग का। बिल्कुल अमित, और जिस तरह से आप ये बता रहे हैं कि परिवार ने पहले भी पुलिस से जाकर शिकायत की थी तो ये कह दिया गया था कि आप अपनी बच्ची को समझा कर रखिए, यानी कि पुलिस भी आरोपी को पकड़ने की बजाय दूसरे पीड़ित परिवार को ही ये कह रही है कि आप अपनी बच्ची को संभाल के रखिए। जी, कहीं ना कहीं ऐसे बहुत मामले आते हैं कहां जहां जहां बच्चियों को छेड़खानी की जाती है, और चाहे मतलब छेड़खानी की जा रही है, स्कूल जा रहा, बच्चियां जा रही हैं तो कमेंट किया जाता है। जब वो परिजन शिकायत करते हैं तो थाने के पुलिसकर्मी समझा बुझाकर कि लड़की का मामला है, इसको शांत रहने दो, हम समझा देते हैं, ऐसा कह के मामले को रफा दफा कर दिया जाता है। जी चलिए अमित, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो बस्ती का ये पूरा मामला है जहां पर नारी शक्ति अभियान की पोल खुल गई है। तो ऐसे में देखिए, एक तरफ तो बस्ती के तमाम जिलों में, जगहों पर, तमाम क्षेत्रों में, तमाम स्कूलों में, चौराहों पर पुलिस प्रशासन की तरफ से जो है वो महिलाओं को नारी शक्ति अभियान के लिए बताया जाता है बारे में और उनको उनके अधिकारों के बारे में बताया जाता है, लेकिन दूसरी ही तरफ जो है दबंग और जो अपराधी है वो इस तरह के घटनाओं को अंजाम देते हैं। हालांकि देखिए, इस पूरी घटना को लेकर सपा नेता ने भी बीजेपी सरकार को घेरा है और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि महिलाएं जो है वो सुरक्षित नहीं है और महिलाएं यूपी सरकार में सुरक्षित बिल्कुल नहीं है। ऐसे में उन्होंने साफ तौर पर ये कहा है कि बीजेपी सरकार में महिलाओं के प्रति अपराध जो है वो और बढ़ता जा रहा है। नारी शक्ति अभियान की पूरी तरह से पोल जो है वो खुल गई है। हालांकि देखिए, मामला भी क्या था ये पूरे तौर पर स्पष्ट नहीं हो पाया है, लेकिन खामियाजा जो है वो इस बच्ची को उठाना पड़ा। केदारनाथ धाम में चल रहे पुनर्निर्माण के कार्य के एक बार फिर सवालों के घेरे में आ गए हैं। दरअसल जहां रुद्रप्रयाग में तीर्थ पुरोहितों ने पुनर्निर्माण कार्यों पर सवाल उठाते हुए शासन प्रशासन पर सरकारी धन के दुरुपयोग करने का आरोप लगाया है, तो वहीं तीर्थ पुरोहितों का आरोप है कि धाम में निर्माण कार्यों के नाम पर अनियमितताएं हो रही है जिसकी उच्च स्तरीय जांच की जानी चाहिए। आपको बता दें कि तीर्थ पुरोहितों का आरोप है कि साल 2016 में जिस संगम पर करोड़ों की लागत से घाट का निर्माण किया गया था, अब उसी घाट को तोड़कर नया घाट बनाया जा रहा है जो कि धन का दुरुपयोग है, और इसके साथ ही कई और कार्यों पर भी पुरोहितों ने सवाल उठाए हैं। ये रिपोर्ट देखिए। केदारनाथ धाम में साल 2013 में आई आपदा को लोग अभी तक भुला नहीं पाए हैं। आज भी लोगों के जहन में वो मंजर है। इस आपदा के दंश को आज भी केदारनाथ में देखने को मिल जाते हैं। आपदा के बाद धीरे धीरे यहाँ हालात सुधर रहे हैं। वहीं इन सबके बीच केदारनाथ धाम में जो पुनर्निर्माण के कार्य किए जा रहे हैं उस पर तीर्थ पुरोहितों ने सवाल उठाए हैं। तीर्थ पुरोहित संतोष त्रिवेंद्र ने कार्य पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि सरकार अपने लक्ष्यों से भटक गई है। उन्होंने कहा कि अनावश्यक कार्यों से जनता के रुपयों की बर्बादी की जा रही है। उन्होंने सरकार से मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है।
केदारनाथ में सरकार द्वारा जो भी पुनर्निर्माण कार्य वहां पे हो रहा है वो बिल्कुल भी केदारनाथ के भौगोलिक परिस्थिति के अनुसार नहीं हो रहा है। पूर्व में कन्याल कोटियाल जी के द्वारा वहां पे एक 28 करोड़ का घाट बनाया गया था और 40 लाख का चेंजिंग रूम बनाया गया था। सरकार ने उसको बदले की भावना से उसको तोड़ करके वापस वहां पे जो है घाट बना रही है। उसके बाद सरकार शंकराचार्य जो समाधि बना रही है वास्तु के हिसाब से बिल्कुल भी वो समाधि नहीं बन रही है। उसका एक ऊंचा 20 फीट का एक जो है समाधि में जाने के लिए जो सरकार जो टंडल बना रही थी वो बहुत ऊंचा हो गया। उसका तीर्थ पुरोहितों ने विरोध किया और वो भी जो सरकार ने करोड़ों रुपए का तैयार किया था उसको भी सरकार ने वहां पे तोड़ दिया गया। लेकिन मैं सरकार से पूछना चाहूंगा, आप जो है विकास कार्य से भटक गए हैं। आप जो है सबसे पहले जो 2013 की आपदा में जो है तीर्थ पुरोहितों के भवन जो है वॉश आउट हो गए थे, सबसे पहले तीर्थ पुरोहितों के भवन वहां पे देने चाहिए। और वहां तक अभी तक 8-9 सालों में सरकार गौरीकुंड से केदारनाथ तक एक भी व्यवसाय एक भी जो है दुकानदार नहीं बसा पाई। सरकार को ये काम पहले करना चाहिए था। तीर्थ पुरोहितों की आपत्ति, करोड़ों की लागत से बने घाट को तोड़कर दोबारा बनाया जा रहा। आदि गुरु शंकराचार्य समाधि स्थल के निर्माण में स्थानीय महत्ता की अनदेखी की जा रही। समाधि स्थल निर्माण को चक्रव्यूह का रूप देकर मंदिर की गरिमा को ठेस पहुंचाया जा रही। मंदिर के पीछे के सुरंगनुमा रास्ते को ध्वस्त किया जा रहा है। हिमालय की तलहटी पर बिना तरीके के काम किए जा रहे हैं जिससे पर्यावरण को काफी नुकसान हो रहा है। वहीं इस मामले पर सियासत भी शुरू हो गई है। कांग्रेस ने इस मामले की जांच की मांग करते हुए सरकार पर जमकर हमला बोला है, जबकि सत्ताधारी दल बीजेपी ने सभी आरोपों को सिरे से निकालते हुए कार्यों के सही होने का दावा किया। जबकि आम आदमी पार्टी का कहना है कि तीर्थ पुरोहितों की आपत्ति जायज है। आम आदमी पार्टी ने भी सरकार से उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। निश्चित रूप में हो रहा होगा, मेरी जानकारी में ये मामला है नहीं। मैं इसको पता करूंगा और उसमें क्या मैं कह सकता हूं तब आपको बताऊंगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के शासन में हर जगह पैसों का बंदरबांट, राजस्व की बंदरबांट, राजस्व का दुरुपयोग और इसी का परिणाम है कि आज बेरोजगारी यहाँ पर चरम पर है, महंगाई चरम पर है, भ्रष्टाचार चरम पर है। देखो वो ना मंदाग्नी और सरस्वती का कन्फ्लुएंस है, उस जगह पे घाट बनाया था, वो घाट NIM ने बनाया था, वो घाट बिल्कुल मास्टर प्लान के हिसाब से और तरतीब से बना था। आज क्या कारण है सरकार उसको तोड़ रही है, क्योंकि कई बार होता है कि आप बोलते हो कि लैंडस्केपिंग के लिए अच्छा हो, कलर कोड अच्छे हो, सेफ्टी के हिसाब से अच्छा हो। मेरे ख्याल से CBRI और IIT रुड़की ने अच्छे तरीके से बनाया था। अगर तो सरकार का पर्पस मतलब कंस्ट्रक्टिव है तो कोई बुराई नहीं है, पर अगर तीर्थ पुरोहित सवाल कर रहे हैं तो इसका मतलब इसको चेक करने की भी ज़रूरत है, तीर्थ पुरोहितों के साथ बात करके कि वो क्या कारण बोल रहे हैं। कई बार हम लोग चलते हैं इंजीनियरिंग के स्टाइल से, लेकिन कई चीज़ें भावना के साथ भी जुड़ी होती हैं। अगर कहीं वास्तु की बात है, अगर कहीं वो दिशाओं की बात है, किसी साउथ की तरफ से द्वार होना चाहिए, तो हमें ना वो भावना भी देखनी चाहिए। देखिए लगातार और लगातार विकास की दिशा में आगे बढ़ना है। कई चीज़ें जो हित में होती हैं उनके ऊपर निर्णय लिए जाते हैं कि कौन सा अच्छा है। कहीं पता चलता है इसे और सुंदर बनाने के लिए, जैसे हम अपने घरों में काम करते हैं, आज कोई चीज़ बनाएंगे कल को लगेगा ज़रूरत के हिसाब से यहाँ ऐसे नहीं होनी चाहिए, थोड़ा सा इसे ऐसे एक्सटेंड कर लेते, तो इतनी बात है। मुझे लगता है कि सबकी इच्छा और भाव जो है वो ये है कि कैसे ज़्यादा से ज़्यादा भव्य और सुंदर दिखे, उस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। मुझे लगता है कि इसमें कहीं से कहीं तक कोई कुल मिलाकर केदारनाथ धाम में चल रहे पुनः निर्माण के कार्य पर सवाल खड़े होना बेहद ही गंभीर है। तीर्थ पुरोहितों के आरोपों को हल्के में नहीं लिया जा सकता। सरकार को चाहिए कि वो इस मामले का संज्ञान ले और इसकी जांच पड़ताल कर कार्रवाई करे, साथ ही कार्यों में तेजी लाए जिससे यात्रा से जुड़े लोगों को भी लाभ मिल सके और राज्य की आर्थिक स्थिति भी मजबूत हो सके। देहरादून से न्यूज वॉल इंडिया के लिए सुभाष कौर की रिपोर्ट। तो देखा आपने किस तरह से केदारनाथ के पुनर्निर्माण कार्य पर सवाल जो हैं वो खड़े होने लगे हैं। सरकार पर सीधे तौर पर फिजूल खर्ची का आरोप लग रहा है। इसी के साथ फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज वॉल इंडिया।